पिकॉक पिकॉक। अब देख रहे हैं अभी पिकॉक का आवाज आ रहा था। बहुत दिन बाद खेतों में सुसु कर रहा हूँ। थोड़ा फ्री फ्री लग रहा है। और यहाँ पे अभी पीछे पीकॉक की आवाज़ आ रही है। आई थिंक बहुत सारे पीकॉक यहाँ पे पहले से है और हमेशा रहते हैं। और बहुत दिन बाद खेतों में आया हूँ मैं। आप सब लोगों को पता ही है मैं नेचर लवर हूँ। मुझे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा पसंद है। और हर तरफ देखो वहाँ सिर्फ ग्रीनरी ग्रीनरी और एकदम ऐसा प्लेन लग रहा है। इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। और इतना ब्यूटीफुल मौसम भी बना हुआ है, इतना रोमांटिक मौसम भी बना हुआ है। बस गर्लफ्रेंड साथ में हो तो यहाँ से इंसान हिलने का नाम भी ना ले। और इन खेतों से बहुत पुरानी यादें भी जुड़ी हुई है, इसलिए बहुत अच्छा लग रहा है। और इस वक्त आप देख रहे हैं मैं खुले पैरों से चल रहा हूँ। दिख रहा है कीचड़ है पूरा यहाँ पे। तो चप्पल या शूज़ पहन के आ ही नहीं सकते। तो थोड़ा धीरे 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 जाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ आज। ये अभी तक आया नहीं शायद खाने के लिए, पर आ जाएगा। इसके बाल है जैसे वो फॉरेन की गर्ल्स होती है उस टाइप का बाल है इसका। क्या बोलते हैं, हम तो इसको बुड्ढी का बाल बोलते थे। इसको रियल में क्या बोलते हैं अभी तक पता नहीं है। और ये बाजरा है, ये बाजरे का पेड़ है। और ये सोयाबीन है, जितना भी देख रहे हैं हर तरफ सोयाबीन ही सोयाबीन है। और आगे मेरे मम्मी और पापा चल रहे हैं उस साइड पे। आज सच में बहुत ज़्यादा खुश हो गया हूँ मैं खेत में आके। और इधर ही खाना खाने का मन है, पर हम लोग साथ में लेके नहीं आए। और नहीं तो खाना बैठने के लिए जगह भी नहीं है, पूरा कीचड़। बारिश हो गया पूरा 2 दिन से, तो बहुत ज़्यादा कीचड़ है इस वक्त यहाँ पे। कल जब निकला था मैं वहाँ से, तो रास्ते में भी इतना रोमांटिक मौसम था। जैसे मालसेज घाट का आपको वीडियो इसमें दिखाई देगा, पूरा एकदम से विजिबिलिटी एकदम जीरो की तरह लग रही थी, कि गाड़ी में आगे कुछ भी नहीं दिख रहा था। तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। और यहाँ घर आके आज दूसरे दिन मैं खेत पे आया हूँ, तो आज भी बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। जैसे सुबह सुबह आया हूँ खेत पे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मूग है, इसका जो क्या बोलते हैं सेंग बोलते हैं मराठी में। और मूग को हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, पर ये कच्चा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। कुरुम कुरुम खाने का मज़ा ही अलग है। और इतना ज़्यादा टेस्टी, बहुत टेस्टी लग रहा है ये। ये तूर है और इसका भी ऐसे सींग आता है, थोड़ा अलग टाइप में। वो खाने का भी अपना ही मज़ा होता है। उसको बॉईल करके बहुत टेस्टी लगता है वो भी। सब लोगों को पता ही है वैसे, तूर बॉईल करके कई जगह पे खाते हैं कई जगह पे नहीं खाते हैं। पर यहाँ पे जो तूर का सींग होता है वो बॉईल करके उसमें नमक और थोड़ा हल्दी डाल के, जो पीने का शौकीन लोग है वो चखना, के मतलब चखना, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है उसका, दारू या बियर के साथ। सगळं प्लेन वाटतंय ना। सगळं सिवर चांगला आल्यानंतर छान पण वाटतं बघायला ना। तो गाइज आप देख रहे हैं मेरा मम्मी खड़ा है उससे भी थोड़ा आगे। और वहाँ से ये जो लास्ट में आगे बहुत आगे दिख रहा है वो पेड़, वहाँ तक ये हमारा खेत है। और इसमें सोयाबीन मूंग है, पूरा जो अभी फसल है वो सोयाबीन और मूंग का है। और बहुत अच्छा आया है। तो वही पापा मुझे बता रहे थे, सारी जानकारी दे रहे थे इसके बारे में।
और मम्मी मेरे लिए जो मूंग का सेंग है वो जमा कर रही है घर में जाके खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे खाने के लिए आया था पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा कीचड़ है। तो बहुत ज़्यादा गांव में एंजॉय कर रहा हूँ इस वक्त, और भी 4-5 दिन रहने वाला हूँ तो बहुत मज़ा आने वाला है गांव में। छोटा छोटा करके मैं रोज़ तो नहीं पर पता नहीं कितना वीडियो बना पाऊँगा, उतना वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और ये मुंबई में जैसे मोर की आवाज़, चिड़िया की आवाज़ ये सब सुनने को नहीं मिलता है, तो ये जैसे गांव में आता हूँ तो गाड़ियों का कम, हॉर्न का तो बिल्कुल आवाज़ ही, वो आगे रोड है शायद आपको दिख रहा है कि नहीं, वहाँ से गाड़ी जा रही है पर उसका आवाज़ यहाँ तक नहीं आता है। यहाँ पे पूरा पंछियों का ज़्यादा आवाज़ आता है, जानवर का आवाज़ आता है, तो वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बेर के पेड़ के नीचे खड़ा हूँ यहाँ पे, इसको छोटा छोटा बेर लगा भी हुआ है, ये देखिए, ये एक कच्चा खा सकते हैं पर इतना टेस्टी नहीं लगता है जितना पकने के बाद टेस्टी लगेगा, पर फिर भी ये देखिए अंदर से, पर अभी भी टेस्टी लग रहा है, पर थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट थोड़ा अलग ही है और वो एकदम कड़वा टेस्ट है तो इतना अच्छा नहीं लग रहा है। इसको अभी मैं नहीं खाऊंगा, जब नेक्स्ट टाइम छुट्टी पे आऊँगा तब तक ऐसा आई होप ये पक जाए, या फिर मैं आऊँगा तब तक पक के सारे लोग खा के भी जा चुके होंगे। नेक्स्ट टाइम 6 महीना तो लगेगा आने के लिए वापस, तो जब भी आऊँगा अगर यहाँ पे होंगे तो हर बार हम गांव में आएंगे तो वीडियो तो बनाएंगे, और आप ब्लॉग वीडियो तो बनाना स्टार्ट कर ही दिया है तो आप लोग प्लीज़ बहुत सपोर्ट करें ब्लॉग के लिए। तो गाइस यहाँ पे किसी ने शादी पे इनवाइट किया हुआ है, आपने सिटीज़ की शादी तो बहुत सारी देखी होंगी, लॉन में, मैरिज हॉल में, गांव की शादी कैसी होती है आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मैं जा रहा हूँ शादी में, उन लोगों ने इनवाइट किया है तो मैं वहाँ पे जाऊँगा अभी, तो आपको भी पूरा शादी दिखाऊँगा। एवढा काय लाज आहेला ते मजा घेऊन खाताय ना म्हणून त्याचा काढत पक्या भारी थांब त्याचा मिशन आकडा पक्याचा काढायचा नाही खूप मोठे गास धरते आता कडा सारखं जेव ना मग कुणी आडवलं तुला आता तो गाइस जो सामने बैठे इस वक्त ये मेरे बड़े भाई है और ये मेरे भाई का लड़का है जिसका नाम है विराज, बहुत ही नटखट है वो। ये जो अभी गपा गप खा रहे हैं ये उप सरपंच है हमारे गांव के, और शायद बहुत भूखे हैं, बहुत जोर से खा रहे हैं। शर्मा मत खाओ ना घेतले बस पटू दे
जैसे कैमरा ऑन किया इन लोगों का खाना का अंदाज ही बदल गया। जैसे लड़के जैसे नाजुक नाजुक निवाले ले रहे, ये देखिए ये। अरे ये दूल्हा और दुल्हन है, बहुत ज्यादा खुश लग रहे हैं। आज शादी हुई है इन लोगों की, लव विद अरेंज मैरिज है।